Habibi, come to Egypt. Habibi. Habibi. तो भाई अभी आ गए हैं पिरामिड के अंदर, तीसरा पिरामिड। और ये स्फिंक्स की हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी। ऑन द वे टू पिरामिड्स। वेलकम टू गीजा। वेलकम टू गीजा। गीजा हबीबी। गीजा हबीबी। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मेरा यहाँ इजिप्ट में, पता नहीं कौन सा दिन चल रहा है। जी हाँ, इजिप्ट का जो एक खास अट्रैक्शन है वहाँ पे जा रहे हैं। और अभी दोस्त आ गया अपना यूएसए से, नेविल, तो अभी उसके साथ जा रहा हूँ पिरामिड्स। तो भाई आज की जो ट्रिप होने वाली है वो है गीजा पिरामिड की। तो भाई बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। पिरामिड जाने से पहले यहाँ पे कुछ चाय के लिए रुके हैं, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखो भाई, ऐसे कुछ टपरी है यहाँ पे। और भाई ये है अपना दोस्त नेविल और ये है मिस्टर सैयद। सो गाइस, अभी पिरामिड में जाने से पहले सबसे पहले एक काम करना है जो है मैंडेटरी, कि आप जो सर के ऊपर जो स्कार्फ बांधते हैं उसको बोलते हैं शाल, SHALL, उसको बोलते हैं शाल। और जो अगर आप पूरा कपड़ा लेना है जो कि वाइट कलर का होता है उसको बोलते हैं गलाबेया। तो गलाबेया करके जो है उसको ड्रेस बोलते हैं जो पूरा की वाइट है। अभी जाते हैं शॉप में और देखते हैं कि भाई हमको वो लेना है कि नहीं। बट भाई स्कार्फ मतलब कि जो शॉल है वो सबसे पहले खरीदने वाले हैं और वो खरीद के जाएंगे पिरामिड्स के अंदर। शेल शेल शेल, तो भाई उसको बोलते हैं शेल। और भाई यहाँ इजिप्ट में जो ATM है वो कैसा होता है कि ये ना एक सिंपल एक मशीन जैसा होता है और उसके ऊपर ना एक ये शेड रखा होता है। ये जो आप शेड देख रहे हो यहाँ पे खुले में ही होता है ये ATM। ये देखो ये पूरा रास्ता है, ये गाड़ी है और भाई यहाँ पे ये मशीन रखा हुआ है, ये है इनका ATM। आप खुले में ही खुली हवा में पैसे निकाल सकते हो यहाँ इजिप्ट में। First is Hofu. But in ancient Egyptian, Hofu. Hofu. Yeah. Okay, and this, what is the second one? Hafra. 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 Kafra. Yeah. One, Hofu. Kofu. Hafra. Kafra. Minkaura. Minkaura. Exactly. Oh. ये देखो ऐसा कुछ यहाँ पे एरिया है और भाई ये देखो यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं सब। एंट्री फीस की बात करें तो 360 Egyptian pounds की है एंट्री फीस, जो कि पिरामिड के आजू बाजू के एरिया में जाने की एंट्री फी है। अगर आपको पिरामिड के अंदर जाना है तो उसका चार्जेस है 650 Egyptian pounds अगर आपको पिरामिड के अंदर जाना है। चार्जेस क्या है पिरामिड ऑफ गीज़ा आर्कियोलॉजिकल साइट, तो ये जो विजिटर है उसके लिए है 360 Egyptian pounds। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 180 हो जाएगा। आपको पिरामिड के अंदर जाना है तो भाई ये है 600 Egyptian pounds है, सॉरी 650 बोला था मैंने। सेकंड वन है जो है मीडियम वन वाला, उसको बोलते हैं खैफरे पिरामिड, तो उसके लिए है 100 Egyptian pounds पर वो क्लोज है अभी। और जो थर्ड वाला जो है मेनकाउर पिरामिड, उसके लिए है 150 Egyptian pounds। एवरी डे फ्रॉम 7 AM to 5 PM, 7 से 5 बजे तक ये ओपन रहता है। तो भाई ये जो है ये टिकट का प्राइस है, ये है 360 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पिरामिड के आजू बाजू का एरिया और ये सबसे जो छोटे वाले में हम जाएंगे मेनकाउर पिरामिड, जो सबसे तीसरे नंबर का सबसे छोटा वाला है उसकी है भाई 150 Egyptian pounds। Yalla habibi.
तो भाई जा रहे हैं अभी ऊपर पिरामिड्स के ऊपर थोड़ी चढ़ाई करके। तो भाई देखो यहाँ से ऐसे कुछ चढ़ाई करनी है। और भाई ये देखो ये यहाँ नीचे लोग ऐसे खड़े हुए हैं। और भाई ये अपना पिरामिड यहाँ पे सबसे बड़ा वाला। तो भाई ये देखो ये है पनोरामिक व्यू कि भाई आप थोड़ा सा पीछे की साइड आओगे पिरामिड के तो भाई आपको ये व्यू मिलेगा यहाँ से। ये देखो भाई ये पनोरामा व्यू, ये सबसे छोटा वाला, ये मीडियम वाला और भाई ये आगे सबसे बड़ा वाला। तो ये पनोरामिक व्यू है। और यहाँ पीछे आपको अगर कैमल राइड और वो सब करना है तो कर सकते हो। विरल अभी भी ये। तो भाई ये जो है ये अभी कैमल राइड हम कर रहे हैं और भाई इसके लिए हमने पे किए हैं $10 $10 ये देखो भाई ये पिरामिड उधर और ये भाई आपको घोड़ा गाड़ी करके भी जाना है तो भी जा सकते हो जो बूढ़े लोगों के लिए है ज़्यादातर। तो भाई यहाँ से ना आपको 9 पिरामिड दिखेंगे आपको जो सबसे पीछे और मिडल वाला और उसके आगे वाला जो मेन 3 पिरामिड है वो तो है और उसके आगे जो 3 छोटे वाले हैं वो है। तो ये हो गए मतलब कि 6 पिरामिड और बाकी के 3 पिरामिड भाई वो जो बड़ा वाला पिरामिड है सबसे पीछे उसके बाजू में जो आपको दिख रहा है वो है वो 3 पिरामिड। तो यहाँ पे टोटल 9 पिरामिड है जो आपको दिख रहे होंगे इसमें। यल्ला हबीबी हबीबी वेलकम टू इजिप्ट। तो गाइस अभी जा रहे हैं ये जो 3rd पिरामिड है उसके अंदर और ये है भाई हमारा टिकट। तो जाते हैं अभी अंदर इन द 3rd पिरामिड जिसको बोलते हैं मेनकोर्स पिरामिड। ये देखो भाई ये टिकट। हाला भूगर्मा जाओ ना हमारा चश्मा काट लिया पड़ता दिखाई नहीं बाकी तो भूगर्मा से माय गॉड worth it. Okay, so now going in. Jai Mata Di. Jai Mata Di. If you are claustrophobic, you should not come here. सो भाई अभी आ गए हैं पिरामिड के अंदर तीसरा पिरामिड ऑलमोस्ट है और अभी है 30-40 फुट नीचे से पिरामिड के अंदर। ये देखो भाई 30-40 फीट डाउन वो था।
तो भाई ऐसा कुछ नजर है यहाँ अंदर आते ही। तो भाई ये जो स्कूल के बच्चे थे वो आए हुए हैं यहाँ पे, देखिए पीछे। ओ भाई नीचे भी जा सकते हो यहाँ पे। ओके ओके श्योर श्योर। तो भाई ये देखो यहाँ से आए थे अंदर, अभी एक वापस थोड़ी फ्लैट सरफेस है यहाँ पे, और भाई इसके बाद ये देखो वहाँ जाके बैठ गए, बोल रहा है कि मेरे को थोड़ा फील लेना है। और अभी हमारी गाड़ी रुक गई है आधे रास्ते में, क्योंकि ये बच्चे अभी क्रॉस कर रहे हैं वापस जा रहे हैं ऊपर। तो ये देखो एक्सपीरियंस है फिनिश। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी सेंटर ऑफ द पिरामिड। तो भाई ये है अपने पीछे द फेमस स्फिंक्स। तो भाई ये देखो यहाँ से आप स्फिंक्स के एकदम पास में आ सकते हो। दिस इज द क्लोजेस्ट व्यू यू कैन हैव ऑफ द स्फिंक्स। देखो भाई ये स्फिंक्स और ये पीछे पिरामिड। और भाई ये जगह को ना इन लोगों ने कॉर्डन किया हुआ है, तो इसके आजू बाजू में आप नहीं जा सकते। ये है लास्ट स्पॉट, यहाँ तक ही आप जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नाइट में ना लाइट शो होता है, यहाँ अंदर नहीं जा सकते हो आप। और ये स्फिंक्स की हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी कि भाई उसका जो हेड है वो है इंसान का है, और उसकी जो बॉडी है वो है लायन की। तो ये है स्फिंक्स का कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ऐसे कुछ बना हुआ है वो। तो भाई स्फिंक्स की यात्रा ख़त्म करके अभी हम जा रहे हैं वापस आगे। नमस्ते मस्ती मस्ती बोल रहा था, मस्ती मस्ती नहीं है भाई, नमस्ते अच्छे से बोलो।